देश भर में बढ़ती महंगाई को देखते हुए कांग्रेस पार्टी ने आज महंगाई मुक्त अभियान की शुरुआत की। कांग्रेस पार्टी के नेता और कार्यकर्ताओं ने सड़क पर उतरकर केंद्र सरकार के खिलाफ ढोल नगाड़े और बर्तन के साथ प्रदर्शन किया। इस मौके पर कांग्रेस प्रदेश प्रवक्ता ने कहा, देश की जनता को केंद्र सरकार कुछ पूंजीपतियों के साथ मिलकर महंगाई के नाम पर मारने का काम कर रही है। आज से पूरे देश में महंगाई मुक्त अभियान की शुरुआत हुई है, जो आगे भी जारी रहेगा। जिस प्रकार 8 सालों के अपने सत्तासीन मोदी सरकार चंद पूंजीपतियों को अमीर बनाने के चक्कर में पूरी देश की जनता को तिल तिल कर महंगाई के नाम पे मारने का काम कर रही है, तो कांग्रेस सिर्फ एक राजनीतिक दल नहीं है, बल्कि कांग्रेस पार्टी का भारतवर्ष के जनता के साथ एक आत्मीयता का संबंध है। हम उसकी भावनाओं को, हम उसकी पीड़ा को अपनी साझेदार बनाने का काम आज कर रहे हैं। और इसी क्रम में 31 मार्च को आज हम लोगों का महंगाई मुक्त भारत अभियान की शुरुआत हुई है, जो पूरे देश में चल रही है। इसी क्रम में झारखंड में भी आज हम लोग ताली थाली ढोल बजा करके इस कुमकर्णी सरकार को, इस बाहरी सरकार को जगाने का काम कर रहे हैं कि अब जागो, अब कितना देशवासियों को तिल तिल कर मारोगे, महंगाई के नाम पे मारोगे। जहां एक और देश के जनता का, जनमानस का थाली से निवाला छीनने का भी काम किया है, ऊपर से रोज पेट्रोल और डीजल के दामों में बढ़ोतरी करके देश की जनता को मारने का जो एक घृणित प्रयास भाजपा कर रही है, आज कांग्रेस पार्टी पूरे दमखम के साथ इसका विरोध करती है। ये कांग्रेस का एक एक कार्यकर्ता 1-1 हजार के बराबर है, क्योंकि कांग्रेस के कार्यकर्ताओं में अपनी जमीर है। और हम जो आज आवाज बुलंद कर रहे हैं, ये हमारी जमीर की आवाज है, ये भारत वासियों के की आवाज है। तो आप समझें कि आज हमारे साथ पूरा भारत वासी इस आंदोलन में शरीक है। अपने राज्य से जुड़ी हर ताजा खबरों के लिए आप हमें सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन बटन दबाना ना भूलें।